हैप्पी वुमेन्स डे और आज खास तौर पे सनम जंग को इसलिए बुलाया है क्योंकि ये दोनों चीज़ों को बराबर मैं आना रवि से लेकर चल रही है, घर को भी और प्रोफेशनल लाइफ को भी। बहुत सारी लड़कियां बहुत एम्बिशियस होती हैं और वो फिर बहुत सारी कुर्बानियां दे देती हैं, बाद में उनको कहती हैं अब क्या होगा। और बहुत सारी खवातीन मेडिकल करती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं और वो कहती हैं हम नहीं कर सकते दोनों चीजें बैलेंस, वो छोड़ देती हैं, वो सीट जाया कर देती हैं। तो यहाँ आपको बुलाने का आज खास मकसद है लोगों को ये दिखाने का कि दोनों चीजें बैलेंस हो सकती हैं, करते हैं, बहुत से लोग करते हैं हमारी। हाँ। अगर हम अपने पिछले जनरेशन को देखें, अपनी मदर्स को देखें, उनसे ज्यादा हमें किससे सबक मिलेगा, कितना बैलेंस करके सबको खुश भी रखे, अपना काम मेज रखने के भी पैसे नहीं होते यार। मतलब कि और उस वक्त तो कुछ सासें भी ऐसी होती थी, डिफिकल्ट टाइम होती थी, मेड्स नहीं, कुछ शोहरों को तो अपनी ही बीवी के हाथ का खाना चाहिए होता था, लेकिन वो लोग उफ नहीं करते थे, खाना भी बनाते थे, काम भी करते थे, बच्चों को भी देखते थे। हाँ। पढ़ाई भी हो रही थी, होती थी, बच्चे अच्छा अच्छा रिजल्ट भी लेके आ रहे होते थे ना, उस वक्त मोबाइल फोन्स भी तो नहीं थे ना, हम इंस्टा भी तो देखते। यू आर सो राइट निदा। कल तो पता क्या हुआ, कल मैं नीचे वाले कमरे में ना सुकून के लिए नीचे वाले कमरे में बैठ के यूं उल्टा यूं लेट के ना मोबाइल लगी हो 20 मिनट चले गए। फिर मैंने सोचा यार मैं क्या कर रही हूँ, अननेसेसरी मैं सर्फिंग किए जा रही हूँ टाइम जाया कर रही हूँ। मैंने कहा काम आया हुआ चला जाएगा थोड़े से दिनों में, इससे अच्छा मैं उसी के साथ बैठ के दो चार बातें और कर लूँ। तो मैंने अपने आप को एक रियलिटी चेक दिया, मैंने मोबाइल फेंका और जब भी मैं होती हूँ ना आस पास में कहती हूँ काम प्लीज मेरा मोबाइल कहीं रख दो। देखो कसाम से मुझे याद आ रहा है रिजेक्शन की कहानी। हाँ। एक ये भी और मतलब लड़कियों के लिए खास वो हो जाता है, उनकी वो पर्सनालिटी जो होती है अम्मा अब्बा के घर में पल के लाइवलीनेस वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जाती है। क्यों इतनी रिजेक्शन, रिजेक्शन का एक वो गम है ना जो उनको, मुझे भी लगा था दिल को हाय मुझे रिजेक्ट कर गए, हम तो अपने घर में बड़ी बेटियां तो हाँ, हम तो बता नहीं अपना क्या समझते। और यू नो इट्स ओके, और मुझे लगता है कि बच्चियों को वक्त देना चाहिए इस तरह, नहीं जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। माँ बाप भी ऑफ कोर्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन लड़की को भी मौका दे कि वो चूज करे कि क्या मैं इनको घर बुलाना चाहती हूँ, क्या मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे इसका बैकग्राउंड चेक नहीं समझ आ रहा, इसकी एजुकेशन नहीं समझ आ रही, तो मैं नहीं अम्मा प्लीज इनको ना बुलाई, मुझे देखना आना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा। तो लड़कियों को वो हक देना चाहिए। बारे अम्मी अब्बू ने दिया तुम्हें? पहली दफा तो नहीं दिया, वो जबरदस्ती बुला लिया, उनके दोस्त का कोई बेटा था, आज तक मुझे याद है, मुझे इतना गुस्सा आया था कि होता कौन है भाई ऐसे आया ऊपर से, नहीं अम्मी मेरा मजाक उड़ा रही थी, अम्मी मेरा मजाक उड़ा रही थी, कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा हाँ तो उन्होंने क्या नहीं दिया, मैं नहीं देना चाहती उनको कोई जवाब। तुमने कसाम को बताई ये बात? हाँ कसाम को मैंने बताया, उस वक्त वो था जिंदगी में ना? नहीं अच्छा नहीं। वो उस तरह नहीं था, उस तरह नहीं था। अच्छा फिर जब कसाम से रिश्ता वगैरह तय हो गया उस वक्त तुमने मॉर्निंग शो शुरू नहीं किया था? नहीं नहीं, मॉर्निंग शो तो शादी से कुछ अर्से पहले शुरू हुआ था। अच्छा हाँ, हाँ। और एक्टिंग वगैरह तुम कर रही थी? वो वहाँ पढ़ रहा था और तुम एक्टिंग कर रही थी। हाँ। तो...